शुक्रन स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिरोज का ब्लॉग में। दोस्तों जब सासर का नमाज पढ़ के अभी आधा घंटा थोड़ी सी नींदी क्या लगी थी, मैडम फोन करके बोलती है कि भाई किधर है, तुम आ जाओ इधर काम है। ठीक है, यही होता है भाई गल्फ में, जब आप सोओगे, जब आप बाथरूम में होगे, जब आपको एकदम जरूरी रहेगा ना तभी लोग कॉल करते। कोई बात नहीं, हम यहाँ काम करने के लिए आए, हम हंसेंगे काम करेंगे। तो यह रहा हमारा दोस्तों रूम, हमेशा जैसा वीडियो में बताते हैं ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, निकलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है। और मेरा जो रूम है वो काफी दूर में, थोड़ा सा मुझे जाने आने में भी टाइम काफी लग जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, हमने हम ले लिए सामान और ये सब एसी बंद करते हैं दोस्तों। होस्ट ड्राइवर में ओपन ड्यूटी होता है, कभी भी आपका ड्यूटी लग जाएगा, जब वो फोन करेगा, जब जाना होगा, नहीं होगा तो आप रूम में अपना बैठे रहे। तो हम गाड़ी में आ जाते, गाड़ी को चालू कर दिए, कुछ देर रुके, ये हो गया आर डाल दिए दोस्तों, ये हमने सीट बेल्ट लगा लिया। अगर आप सऊदी अरब आ रहे हो 1 से 1.5 लाख रुपए लगा के आ रहे हो तो भाई यहाँ पे कुछ दिन आके बर्दाश्त करना, तभी जाके आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो मैं बाहर निकल जाता हूँ दोस्तों, बाहर का रोड कुछ इस टाइप से होता है। और गाड़ी को दोस्तों बिल्कुल साफ रखना है, आपकी जिम्मेदारी होता है गाड़ी को साफ रखना। तो ये कुछ इस टाइप का रोड होता है दोस्तों, सऊदी अरब का जो रोड होता है बिल्कुल एकदम चिकन मिलेगा दोस्तों, और बिल्कुल गाड़ी आपकी हिलेगी नहीं। तो मैं एक सिग्नल के पास पहुँचने वाला रहता हूँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सिग्नल भी मुझे हरा मिल जाता है, उससे मैं निकल जाता हूँ। सिग्नल को दोस्तों अरबिक में इशारा बोलते हैं, इस इशारा को मैं पार करता हूँ दोस्तों। आप कभी भी गाड़ी को पार करें सिग्नल के पास तो बिल्कुल लाइन बाय लाइन चले दोस्तों, आप लाइन क्रॉस ना करें इधर उधर से, जिस लाइन में आप चल रहे उसी लाइन में चले। लाइन चेंज करने से पहले दोस्तों आप इंडिकेटर को जरूर दो। तो हम आ जाते हैं मैडम के माँ के घर पर और यहाँ से मैडम की माँ को बैठाते हैं और पूछते हैं कहाँ जा। غسيل انا مسؤول وشو هذا جيب انت هذا سيف والله شو هاي هذا حق مين هذا امي بعطيه في جسمه بروح بيت كيف هذاك هذا كذا لمس لا اي مين هذا امي هذا حق فواز يوم صغير ما شاء الله اي هذا بعطيه تاء لميس عندها الين وين رو انت راح الحين ندخل هذه هذا جيب غسيل انا ودي بعدين طريق طيب خلاص نعطيهم هذا ونرجع غير جو طقة سبدي كم يوم انا محبوسة في البيت। जब मैडम के घर का कोई भी पैसेंजर बैठे तो आप बिल्कुल गाड़ी को एकदम संभाल के चलाएं, बिल्कुल भी कट वट ना मारे, एकदम सिस्टम से गाड़ी चलाएं ताकि कोई डरे ना। ठीक है, तो हमने पहले से पूछ लिया मैडम की माँ को कहाँ जाना, वो बोली कि मेरे भाई के घर पे जाना है। तो मैं आ जाता हूँ एक पेट्रोल पम्प में, पेट्रोल नहीं होता है, पेट्रोल पम्प कुछ इस टाइप से होता है दोस्तों। सऊदी अरब में हम 50 रियाल का पेट्रोल भरा लेते हैं, जो 2 रियाल 18 हलाले मिलता है, यानी भारतीय रुपये में समथिंग 45 रुपये समथिंग लीटर यहाँ पर पेट्रोल मिल जाता है। तो पेट्रोल भराने के बाद दोस्तों यहाँ से अब निकल जाता हूँ और ये देख रहे हैं ये एयरपोर्ट से जो रोड आ रहे हैं दोस्तों, ये सऊदी अरब का रिंग रोड है दोस्तों, जो पूरी रियाद में और सऊदी को मिलाता है। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है और ये यहाँ पे एक प्लेन रखा हुआ था, ये यहाँ से जब जाता हूँ दोस्तों इस प्लेन को शीशा उतार के देख लेता हूँ क्योंकि इसका व्यूज काफ़ी अच्छा आता है जब यहाँ से चलता हूँ तो और देखता हूँ इसको। तो फाइनली दोस्तों देख रहे हैं बिल्कुल एकदम रोड जाम है, जो लोग को लगता है कि सऊदी अरब में जाम नहीं रोड मिलता है, वो देखिए कितना जाम है। तो हम आ जाते हैं मैडम की माँ को उतार देते हैं उसके भाई के घर के बाहर और सीधे मगरिब का नमाज का टाइम हो गया था तो गाड़ी को घुमा के अब चलते हैं दोस्तों नमाज पढ़ेंगे। और वो मस्जिद में आज लेके जा रहे हैं दोस्तों, जब मैं सऊदी अरब आया था तो पहला बार इसी में नमाज पढ़ा था। तो हम गाड़ी को साइड में दबा देते हैं, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों पहले से पानी का फ्रिज रखा हुआ रहता है, इसमें सब ठंडे पानी आते हैं, जिनको भाई को भी ज़रूरत पड़ता है वो यहाँ से भर के लेके जाके पी सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो ये वो मस्जिद है दोस्तों जहाँ पे मैं सऊदी अरब में फर्स्ट टाइम आया था, इसी में मैंने नमाज आके पढ़ा था माशाल्लाह, आज वो दिन याद है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर आया तो मैं सोचा एक वीडियो बना के इस मस्जिद का रख लिया जाए ताकि मैं फ्यूचर में कभी देख सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मैंने नमाज़ पढ़ा, आप सबके लिए दुआ किया, जो लोग भी काम के लिए खास करके जो लोग परेशान हैं उनको सबको इंशाल्लाह काम मिलेगा, मैं आप सबके लिए दुआ किया दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों सऊदी अरब में खजूर का जो पेड़ है आपको बहुत ही आराम से देखने को। क्या हाल चप्पल موه بارد ايه شكرا عفوا يلا انا فينا اوكي كيف انت كويس الحمد لله مية مية انا اجي سبع سنة انت في مرة صغير ما شاء الله لي عمر 9 سنة صح الحين كم الحين 16 ما شاء الله باقي يمكن خمس ايام متخصص 17 والله اي والله وين روح الحين انت جامعة لا باقي 2 سنة بعدين روح جامعة ان شاء الله اسكول ما في خلص ما في انا بكرة في اختبار بكره في اختبار اختبار انجليزي انجليزي يس يلا 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 مع السلامه
ये मेरे मैडम के भतीजा है जो जब मैं यहाँ पे आता हूँ तभी भी वो पानी ला के देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं बाहर बैठा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पहले से ये लोग जानते हैं। तो दोस्तों एक सिग्नल के पास आगे देख रहे हैं कितने बजे मैडम को यहाँ पे मैडम की माँ को ड्रॉप किया, पानी दी और बोली कुछ देर रुकने के लिए, फिर रुका, फिर बोलता है अभी एक काम करो तुम चले जाओ, मेरा भाई छोड़ेगा। ठीक है, तो यही होता है भाई, यहाँ पे रुकेंगे तो हमें पानी मिल जाएगा, खाना भी कोई लोग देते हैं, और नहीं खाना देंगे तो आपको पैसा भी दे देंगे भाई। तो आप लोग कभी घबराना मत, अगर सऊदी अरब अगर ड्राइवर की नौकरी में आओगे तो भाई यहाँ पे एक ही है, इंतजार बहुत कराते हैं लोग। ठीक है, तो कभी ये लोग इंतजार कराते कभी भेज देते, तो अभी फिलहाल मैं छुट्टी होगी, अब मेरा फ्री होगी, अब देखेंगे काम आएगा तो ठीक, नहीं तो अपना रूम में जाएंगे, खाएंगे पियेंगे मस्त से, जो करना है अपना करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। ये सिग्नल है यहाँ पे, देख ये मैं आया था दोस्तों रबुआ में, जो मेरी मैडम की माँ आई थी अपने भाई के घर में। ठीक है, तो उसको छोड़ा और कुछ देर रुका और ये पानी मिला था दोस्तों, एक मैंने पानी पिया हूँ और एक रख दिया हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं और वीडियो में बने रहे दोस्त आप। तो मुझे भूख लग जाता है और उसी रास्ते में विनोद का रूम आता है, तो मैं पकड़ लेता हूँ तरीकुरेश जो मक्का की तरफ चलता है, उसी रोड को मैं पकड़ के और सीधे मैं निकल लेता हूँ, क्योंकि मैं जाऊँगा विनोद के रूम में और वहीं पे जाके मैं खाना खाऊँगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों ये ब्रिज का कलर कितना अच्छा आ रहा, यानी कलर नहीं वो लाइट है। ठीक है, तो हम पहुँच जाते हैं एक बकाले के बाहर, बकाले को बोलते हैं उसको, जो छोटी सी सुपर मार्केट होते है उसको। तो हम वहाँ अंदर जाते हैं और विनोद ने बोला अगर भाई अगर खाना खाने का है मेरे रूम में आके तो एक रोटी लेकर आना, क्योंकि उसने खाना बना के रखा है। तो यहाँ पे रोटी को एक रियाल में मिल जाता है। हम आ जाते हैं यहाँ, देखने लगते हैं, लेकिन ये इस रोटी में मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि ये ठंडा। तो फिर अंदर चलता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे भैया ने बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म निकाल के रखे। तो इसका प्राइस के बाद बोलूँ, देख रहे हैं दोस्तों एकदम बिल्कुल फुली हुई, और एक गेहूँ का रोटी है उसको खुबूस यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ से इसको लेता हूँ और आ जाता हूँ काउंटर के पास। तो काउंटर के पास पहले से दो तीन लोग नंबर पर थे, मेरा नंबर आता है, भैया को एक रियाल देता हूँ। भैया भी हंसने लगते, बोलते भाई तुम्हारी वीडियो बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज़ देखता हूँ। तो हम आ जाते हैं गाड़ी के पास और गाड़ी को चालू करके सीधे गली में घुस जाते हैं। नमाज़ का टाइम हो गया था ईसा का, तो अब ईसे का नमाज़ पढ़ के और एक ही बार खाने के लिए अब हम जाएंगे। तो पहले वजू बना लेते हैं दोस्तों, वजू खाने में जाके उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों वजू बना के निकला और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हो गया, नमाज़ पढ़ के भी निकल गया। देख रहे हैं यहाँ पर मस्जिद कुछ इस टाइप का, आप ड्यूटी के दौरान कहीं पर भी गाड़ी खड़ा करके आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, आपको मैडम या कपिल कोई आपको मना नहीं करेगा। तो हम आ जाते हैं गाड़ी के पास और गाड़ी को फिर ले जाते हैं विनोद के घर के बाहर और यहाँ पे खड़ा कर देते हैं। और विनोद देखते हैं क्या कर रहा है, क्योंकि भाई उसने बोला है कि रोटी लेकर, मैंने तो अपना काम कर दिया है। तो अब रोटी देते हैं विनोद को। सामने रूम खोला, बोला गर्म हट, ये क्या लेके आया है रोटी, ये कौन सा रोटी लाया है, मस्त गर्म है देख, ये रोटी नहीं खाता हूँ, एक नंबर लगेगा, ये रोटी नहीं खाता। बहादुर यार बाबू भाई आतंक क्या नाम है, आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। विनोद के रूम में जब आता हूँ तब कुछ ना कुछ वो डायलॉग नया बोलता है। और ये देख रहे हैं अंडा और आलू बना के रखा, तो बिल्कुल गांव के स्टाइल में यानी देहाती स्टाइल में इसी को बोलता है खा ले भाई, उसने दोपहर में खाया था, बच्चा वही था। तो मैं रोटी के साथ खाता हूँ और रोटी खाने के बाद दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है। फिर कुछ देर के बाद हम चावल भी बना के रखा है, तो चावल जब तक नहीं खाएंगे जब तक हम लोग का पेट नहीं भरेगा। तो चावल भी निकाल लेते और इसी को खा के पोछ पाछ के बुरा बिल्कुल साफ़ कर देते। और ये बिल्ली मौसी आ गई थी, उसे लग रहा था कि हम लोग चिकन बनाए क्योंकि उसे भी हम लोग खिलाते। तो खा पी के हम दोस्तों बाहर निकल जाते हैं। जब तक मैं रूम पे पहुंचूंगा आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार देख रहे तो